नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में यूपी सरकार ने अपने 4.5 साल के कामकाज का ब्यौरा जनता के सामने रखा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस विकास कार्यों की जानकारी दी। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से सियासी हलचल भी तेज हो गई है। विपक्ष के अपने मुद्दे खत्म होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में आरोप पलटवार का दौर जारी है। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। आज यानी 19 सितंबर को प्रदेश की योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। चुनाव से पहले सरकार ने जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। इसके लिए योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने पर एक बुकलेट को भी छपवाया गया। बुकलेट में विकास की ढेर सारी बातें हैं। वहीं इस बुकलेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की भगवान श्री राम के साथ छपी तस्वीर भी है। वहीं योगी सरकार विकास उत्सव आज मना रही है। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक विकास उत्सव को मनाया जाएगा। सीएम योगी ने 4.5 साल की उपलब्धियों को गिनाया, साथ ही 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड भी अब जनता के सामने पेश कर दिया है। इस दौरान सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के कामों को जनता के सामने रखते हुए रोजगार से लेकर सुरक्षा तक के मुद्दों पर किए गए कामों की जानकारी दी। सीएम ने बताया कि उत्तर प्रदेश निवेश और इज ऑफ गोइंग बिजनेस में नंबर 2 पर आ चुका है। वहीं 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश भी उत्तर प्रदेश में किया गया। वही चीन के डिस्प्ले यूनिट प्रदेश में स्थापित की गई है। इसी के साथ निवेश और नौकरी रोजगार भी लगातार उत्पन्न हो रहे हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार की चलाई जा रही सुविधाओं को भी जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कोई पता ही नहीं होता ही, एक पार्टी का देखते ही होंगे। देश पे कोई आपदा आती है, वे इटली भाग जाते हैं। उनको देश से कोई मतलब ही नहीं। उत्तर प्रदेश ने उनकी पूरी खानदान को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर जाएंगे कहेंगे उत्तर प्रदेश के लोग तो बहुत खराब है। और यही स्थिति जब हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं तो हिंदुस्तान के बारे में भी टिप्पणी करते हैं। उनको चाहिए उत्तर प्रदेश से सब कुछ, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों की निंदा करना, उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमानित करना, भारत के बाहर भारत के बारे में टिप्पणी करना, देवी देवताओं के बारे में टिप्पणी करना, राम और कृष्ण को नकार जाना उनकी प्रवृत्ति का हिस्सा है। तो एक्सीडेंटली हिंदू होगा तो यही तो होगा। और एक्सीडेंट बार बार जनता नहीं दोहराने देगी। योगी सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख दिया है। विपक्ष की तरफ से लगातार लगाए जा रहे मुख्य आरोपों को आज सूबे के मुखिया ने सिरे से खारिज कर दिया। सीएम योगी ने जिस तरह से आंकड़ों को सामने रखा, उसने कहीं न कहीं जनता के मन में उठ रहे सवालों को भी अब शांत कर दिया है। योगी सरकार ने अपने रिपोर्ट कार्ड को जनता के सामने रखते हुए अपना रुख भी सीधे तौर पर साफ किया है। वहीं विपक्षी दलों ने एक बार फिर से सूबे के मुखिया के कामों पर संदेह करना शुरू कर दिया है। एक के बाद एक विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। आज उत्तर प्रदेश सरकार को 4.5 वर्ष पूरे हो गए हैं और इसकी खुशी में, इसकी उपलब्धि में भारतीय जनता पार्टी और इसकी पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी खुशी मना रहे हैं, त्योहार के रूप में मना रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई है, चारों तरफ आतंक का माहौल है, भय, भूख और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है।
चारों तरफ हत्या, डकैती, बलात्कार, अपहरण की घटनाओं की बाढ़ आई हुई है। महिलाओं की, बहनों की, बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, उन पर हत्या की घटनाएं बढ़ी हैं, और विकास के कार्य में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कहीं विकास का दर्शन नहीं हो रहा है। दलित उत्पीड़न, पिछड़ा उत्पीड़न, इसकी में इसमें बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हुई है। और केवल अगर उपलब्धि कही जा सकती है भारतीय जनता पार्टी की, तो केवल हिंदू मुस्लिम की नफरत की खाई भारतीय जनता पार्टी ने पैदा की है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 में जब शपथ लिया था तो सबको न्याय देने के लिए शपथ लिया था, सबको हिस्सेदारी देने के लिए शपथ लिया था, और सबको सुरक्षा देने के लिए संकल्प लिया था। लेकिन 4.5 साल गुजर गया, पहले तो ये अपना नाम बदले, उसके बाद जिलों का नाम बदलने लगे। जिलों के नाम बदल करके विकास की गति बनाना चाह रहे थे, लेकिन 4.5 सालों में प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने यह समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ वादा करती है और वादा खिलाफ ही दिखाती है जनता के सामने। जो वादा 2017 में ये करके आए थे, हमारी सरकार बनेगी, स्नातकोत्तर तक निःशुल्क अनिवार्य और फ्री शिक्षा हम लड़कियों को और लड़कों को देंगे, इनका वादा खोखला साबित हुआ। ये वादा करके आए थे हमारी सरकार बनेगी, किसानों को 2 गुना मुआवजा देंगे, किसानों के समस्या का समाधान करेंगे। आज किसान दर दर की ठोकर खा रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। आज व्यापारी परेशान है, नौजवान परेशान है बेरोजगारी से, महिला सुरक्षा से परेशान है। वादा करते हैं कि हमारी सरकार में कानून व्यवस्था बढ़िया है। भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश के लोगों को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया 4.5 साल में। मुख्यमंत्री जी उत्सव मना रहे हैं 4.5 साल का, लेकिन सही बात यह है कि भाजपा सरकार में एक भी उपलब्धि नहीं है। यदि उपलब्धि है तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ गई। जिन नौजवानों से वादा था कि हम 100 दिन के अंदर जितने रिक्त पद हैं उनकी विज्ञप्ति जारी करेंगे, उनको बदले में लाठी मिली। उत्तर प्रदेश में वादा किया था कि महिलाओं को सुरक्षित माहौल देंगे, लेकिन हाथरस, उम्भा, शाहजहांपुर, सहारनपुर, प्रतापगढ़ की घटनाओं में ये दिख गया कि सरकार अपराधियों के साथ खड़ी हुई, बलात्कारियों के साथ खड़ी हुई। प्रदेश में फूड मेगा पार्क स्थापित करने की बात थी, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई निकला। किसानों से बड़ी बड़ी बातें की, कर्ज माफी की बात की, लेकिन नियम शर्तें लगाकर 1 रुपया 2 रुपये माफ करके प्रदेश के किसानों का अपमान किया। और महंगाई इतनी बढ़ गई, 35% लागत बढ़ने के बाद भी गन्ने की फसल पर 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया गया। बिजली देने का वादा था कि 24 घंटे बिजली देंगे, लेकिन 300 गुना ज़्यादा दाम बिजली के कर दिए, कटौती जस की तस बनी रही। उत्तर प्रदेश के लोग अब भाजपा का और आदित्यनाथ जी का जो जन विरोधी चेहरा है उसे जान चुके हैं। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 4.5 साल से यहाँ पे चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़ा है। और महिलाओं के अत्याचार में तो उत्तर प्रदेश नंबर 1, कुपोषण में उत्तर प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश नंबर 1, और यहाँ जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें होती रही। कोविड काल में लोग ऑक्सीजन समय से नहीं मिलने पे तड़प तड़प के मर गए, परिवार के परिवार बर्बाद हो गए, बच्चों की लगातार मौतें हो रही है, माँ की गोदें सूनी हो रही है, और सरकार को चिंता नहीं। किसान धरने पे बैठा है, किसान के धरने पे 700 किसानों की मौतें हो गई, किसान के लिए सरकार सोचने को तैयार नहीं। कमाल है, ये कैसी सरकार है जो 4.5 साल में उत्तर प्रदेश को विनाश की तरफ लेके गई है। और जब यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश विकास की तरफ जा रहा था। देखिए मुख्यमंत्री जी 4.5 सालों के कागजी विकास के बखान कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये सरकार पूरी तरीके से, और इस सरकार की सारी योजनाएं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, सारी योजनाएं कागज पे ही सिमट के रह गई है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 4.5 सालों में 4.5 किलोमीटर अगर नई सड़क आप कहीं बनवाए हो तो कृपया बताने का कष्ट करें। कहीं भी 4 हॉस्पिटल आप बनवाए हो, 4 विद्यालय बनाए हो, 4 नए यूनिवर्सिटी बनाए हो, 4 नए पार्क बनाए हो, 4 नए स्टेडियम बनाए हो, 4 नए मेडिकल कॉलेज बनवाए हो, कोई भी 4 कार्य डंके की चोट पे, मैं कहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में 4 नए पुलिया बने हो, 4 नई बसें खरीदी गई हो, तो मुख्यमंत्री जी कृपया करके इसका भी प्रश्नों का उत्तर देने का कष्ट करें। अगर सरकार कागजों के सहारे चलेगी तो इस तरीके के दावे रखे के रखे रह जाए।
देखिए, राष्ट्रीय लोकदल गांव गरीब किसान मजदूर की पार्टी है। गांव गरीब किसान के लिए सदैव हमारे नेताओं ने राष्ट्रीय लोकदल में संघर्ष किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 2017 विधानसभा चुनाव के बाद बनी थी और पार्टी जिन मुद्दों पर सत्ता में आई थी, उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत विश्वास के साथ सत्ता सौंपी थी। नौजवानों ने, युवाओं ने, किसानों ने बहुत भरोसा करके सरकार बनवाई थी। महिलाओं ने, छात्राओं ने, सबसे पहले नवरात्र में सरकार बनने के बाद हमारी बहनें नवरात्र के समय धरने में बैठी थी अपनी कुछ मांगों के लिए। बीएचयू में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आधी रात को लाठी चार्ज करवाने का काम योगी सरकार ने किया, ये सबसे प्रथम उपलब्धि है। उसके बाद द्वितीय उपलब्धि उनकी आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियों के लिए है। उन कार्यकर्तियों को योगी सरकार ने भरोसा दिलाया था, अपना रिश्ते में अपनी बेटी माना था कि आपको हम न्याय देंगे, जब हम सरकार में आएंगे तब आपका मानदेय बढ़ाएंगे, आपको रेगुलर करेंगे। और उसके जवाब में जब उन्होंने नौकरी रेगुलर और मानदेय मांगा तो उसको बुरी तरह लाठियों से पीटा गया, जिसका वीडियो आज भी आपके पास उपलब्ध होगा, जिसमें बेचारी महिलाओं के मारपीट के साथ साथ कई जगह उनके साथ बदतमीजी भी पुलिस विभाग के द्वारा की गई। उसके बाद किसानों की बात आई, 9 महीने से हमारा किसान धरने पर बॉर्डर पर बैठा हुआ है, लेकिन योगी और मोदी सरकार कान में जू डाल के बिल्कुल बैठी है, सुनने को तैयार नहीं। अंग्रेजों के समय के काले कानून, ऐसे काले कानून लेके आई है जिसकी सुनवाई सिविल कोर्ट में अपील का अधिकार किसान को नहीं है। किसान के साथ अन्याय होता है तो वो कोर्ट के दरवाजे नहीं खटखटा सकता। ऐसा नियम सिर्फ या तो अंग्रेजों के समय में आया था या भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई है। ऐसी सरकार में आज नौकरियाँ दिन ब दिन घटती जा रही हैं, डीजल पेट्रोल के दाम इन 5 सालों में कई गुने हो गए, रसोई गैस के दाम 2 गुने हो गए, तेल के दाम कई गुना बढ़ गए। आज खाने पीने की जरूरत की हर वस्तुओं के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन रोजगार के अवसर घटते जा रहे हैं, लोगों की कमाई, आम जनता की कमाई घटती जा रही है। ऐसे में नौजवान व्यापारी, मध्यम वर्ग का व्यापारी और लोअर वर्ग का व्यापारी, जो निचले स्तर का व्यापारी है, वो लगातार महंगाई की मार को झेल नहीं पा रहा है। और कई जगह पर हमारे बेरोजगार साथी, युवा, बिजनेसमैन, किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहे हैं। यही इनकी उपलब्धियाँ हैं। ऐसी उपलब्धियों के साथ ही ये दोबारा ये चुनाव में उतरेंगे, क्योंकि इनको मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लड़ते हैं, मंदिर मस्जिद पे चुनाव लड़ते हैं, इसीलिए जनता की महंगाई की मार से जनता की क्या असर पड़ रहा है। बच्चों की फीस महंगी होती जा रही है, स्कूलों के इस समय लॉकडाउन में जब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे तब भी उनसे स्कूल की हर प्रकार की फीस, ट्यूशन फीस के अलावा सारी फीसें ली जा रही है। इसमें योगी सरकार कुछ नहीं बोल रही है और लगातार उनके जो परिवार हैं जिनके बच्चे स्कूलों में महंगे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनका शोषण हो रहा है और बहुत बुरी स्थिति से दौर से गुजर रहे हैं। यही सब उपलब्धियाँ हैं। 2022 के चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में जिस तरह से आज भाजपा ने इस मौके को भुनाते हुए जनता को सीधे तौर पर साधने की कोशिश की है, उससे भाजपा ने अपने पक्के इरादों को सबके बीच रख दिया है। ऐसे तमाम मुद्दे जिन पर विपक्षी दल भाजपा को घेर रही थी, उन सभी मुद्दों पर किए गए कामों का आंकड़ा पेश करके भाजपा ने जनता के सामने अपना पक्ष रख दिया है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ की बिछाई बिसात में आने वाले चुनाव में भाजपा को कितना फायदा पहुंचता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। टेस्ट रिपोर्ट, प्राइम टीवी। और हमारे इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।